हाँ तो वेलकम जी, वेरी मच दोस्तों। आप देख रहे हैं परम ज्ञान और आज मैं आपको बताऊंगा कि पहले कौन आया, अंडा या फिर मुर्गी। दोस्तों आपसे लोगों ने मजाक में काफी बार पूछा होगा कि पहले कौन आया, अंडा या फिर मुर्गी, तो आप लोग भी हवा में एक जवाब दे देते थे। उसी तरह आगे बढ़ने से पहले एक आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता दो। अगर आप अपना जवाब अंडा देते तो फिर वो कहते कि अंडा कहाँ से आया, वो भी तो मुर्गी से आया होगा। फिर आप कहते पहले मुर्गी आई, तो वो फिर वापस कहते कि मुर्गी भी तो किसी एक अंडे से आई होगी। तो इसका कोई फाइनल एक आंसर निकल नहीं पा रहा था जब तक हमारे होशियार साइंटिस्ट ने अपना दिमाग नहीं लगाया। साइंटिस्ट ने काफ़ी रिसर्च की और दो प्रूफ निकाले। प्रूफ वन, रिसर्च कहती है कि अंडा बनाने के लिए जो प्रोटीन लगता है, जिसको OV17 नाम से भी जाना जाता है, वो प्रोटीन केवल एक मुर्गी के अंदर होता है, जिसके बिना अंडा नहीं बन सकता। सो टेक्निकली बिना एक मुर्गी के अंडा नहीं बन सकता। तो इससे प्रूफ ये होता है कि मुर्गी पहले आती है। फिर काफ़ी सालों तक ये प्रूफ सब ने मान लिया, पर फिर भी ये प्रूफ नहीं कर पाया कि वो मुर्गी कहाँ से आई, वो भी तो अंडे से आई होगी। और लोग फिर चालू हो गए पूछना कि पहले कौन आया, अंडा या फिर मुर्गी। साइंटिस्ट भी अब सब टेंशन में आ गए और उनका भी दिमाग खराब होने लग गया। सेकंड प्रूफ के लिए उन्होंने एक पूरी टीम अपने साथ बैठाई और अपने अपने थ्योरीज सबने बताई। उन सब से फाइनल एक प्रूफ निकला कि जैसे हम लोग यानी इंसान धीरे धीरे इवॉल्व होते रहे और एक मानव से काफ़ी लोग इंसान बन गए, वैसे ही बाकी सारे जानवर भी अपनी सराउंडिंग के हिसाब से धीरे धीरे इवॉल्व होते रहे। तो वो कहना ये चाहते हैं कि अभी जो मुर्गी है वो भी इवॉल्व होकर ही बनी होगी। मान लो अभी वाली मुर्गी से पहले वाली मुर्गी यानी एक एक्स मुर्गी, तो एक्स मुर्गी ने जब मुर्गी से जस्ट पहले जो अंडा दिया होगा वो पहले आया जिसमें मुर्गी थी। तो इस प्रूफ के हिसाब से अंडा पहले आता है और अभी तक ये वाला प्रूफ वैलिड है। वैसे जवाब कुछ भी हो, अंडा या मुर्गी, स्कूल टाइम में ये क्वेश्चन और ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछने में बहुत मज़ा आता था अपने दोस्तों के साथ। और क्या आपको पता है मुर्गी अपने अनबोर्न बच्चों से बात कर सकती है और वो भी अंदर से जवाब देते हैं, लेकिन जो मुर्गियाँ फैक्ट्री में होती है उनसे उनका अंडा उसी दिन ले लिया जाता है और वो एक दूसरे को देख भी नहीं पाते। काफ़ी सारे जानवर कलर ब्लाइंड होते हैं, लेकिन मुर्गी इंसानों की तरह सारे कलर को पहचान सकती है। तो ऐसे ही और फैक्ट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक बटन भी दबा दीजिए।